आराम से एक भी नंबर छूटने ना पाए, पीछे पीछे जाते हुए जब जीरो आएगा उस शून्य में, उस सिफर में सर को झुका देना है और खुद का चेहरा उस सर्कल में देखना है। जब जीरो पे पहुंचेंगे गर्दन को नीचे कर दें, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ उस शून्य में खुद का चेहरा देखें। जस्ट फील इट, दिमाग को कहीं भी भटकने नहीं देना है। इसी में इसका आप क्या बोलेंगे, रिजल्ट देखेंगे अपने आप में। जो एक्यूरेट करेगा उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। जब जीरो पे पहुंचे हैं सर को झुका दें, सर को झुका दें। कुछ लोग पहुंच चुके हैं जिनके सर झुके हुए हैं, कुछ लोग पहुंच रहे हैं अभी भी, थोड़ा इंतजार करते हैं। और पहुंचने के बाद दिमाग में कुछ दूसरी सोच नहीं लानी है, उस शून्य में खुद का फेस देखना है, खुद का चेहरा देखना है। जस्ट फील इट, महसूस कीजिए, मेरी हैसियत जीरो ही तो है, आई एम जीरो। सच में मैं जीरो से आया हूं और जीरो में जाऊंगा। यही मेरी औकात है, यही मेरी हैसियत है। लेकिन उस ईश्वर ने, उस रब्बुल आलमीन ने इस जीरो को नवाजा सेंस से, ज्ञानेंद्रियों से, देखने की, सुनने की ताकत से, समझने की ताकत दी, दिल दिया, दिमाग दिया। सेहत दी और सबसे बढ़कर ज्ञान दिया। मैं इसी के जरिए इस जीरो बनकर दुनिया में आया हूं। लेकिन उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने जो ज्ञान दिया है उसके जरिए मैं जीरो से हीरो बन सकता हूं, अपना मकाम बना सकता हूं। मैं जीरो को हैसियत दे सकता हूं, जीरो को कीमत दे सकता हूं, एक कीमत, वैल्यू। मुझे ऐसा जीरो बनना है जो एक के आगे लगता है तो 10 बना देता है, 10 के आगे लगता है तो 100 बना देता है, 100 के आगे लगता है तो 1000 बना देता है। क्रिएट योर ओन स्टेटस, अपना मकाम पैदा कर। मुझे खुद को खुद ही संवारना है। आज के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। इस दुआ के साथ, न उरूज दे न जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे, मैं सभी के काम आ सकूं, कि जमाना मेरी मिसाल दे,
मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी नजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में है खुदा, मैं शब रोज़ दुआ करूँ, तू रहीम है, तू करीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। आज के बाद एक नई सोच का आगाज करना है। सर को उठा लें, आंखें खोलें, जो लोग सो गए हैं उनको प्यार से उठाएं। अब कुछ लोग सो गए, कुछ लोगों का ध्यान फिर भी नहीं लग सका। एक्चुअली उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, कई बार आपका फिजिक या आपकी तबीयत उसके लिए तैयार नहीं होती है, वो शौक नहीं होता है। जिंदगी ऐसी कफलत गुजरती है, कब जागना कब सोना। अब कुछ लोगों ने इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हुए नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी लोग इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। तो ऐसे ही होता है, हर एक की फितरत अलग। तालीम सबके लिए अच्छी है, लेकिन सबके लिए अच्छी नहीं हो पाती। अच्छी बातें सबके लिए है, लेकिन सब सुन के अच्छे लोग नहीं बन पाते। तो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन। जब तक आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाएंगे, कुछ भी रिजल्ट आपको जिंदगी में नहीं मिलेंगे। जिंदगी तो बर्फ की सिल की तरह पिघलती रहती है, उसकी फितरत में गर्मी है, लेकिन लोगों को ठंडक पहुंचाती है। तो बहरहाल कैसा लगा ये सेशन आपको? अच्छा लगा? थैंक यू वेरी मच। देखो